खबर भीकन गांव से। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से कुल 4 अवैध हथियार जब्त। आरोपियों से कुल जब्त अवैध हथियार की कीमत लगभग 46,000 रुपये। ग्राम सेलदा के पास की घटना। आगामी पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध हथियारों के निर्माण, क्रय विक्रय और तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु संदेहियों पर निगाह रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के संबंध में निर्देशित किया। प्राप्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मवीर सिंह, अति पुलिस अधीक्षक खरगोन ग्रामीण जितेंद्र सिंह पवार और अति पुलिस अधीक्षक खरगोन शहर मनीष खत्री द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। उक्त निर्देशों के परिपालन में थाना भीकन गांव में अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अवैध गतिविधियों को लेकर पुलिस निरंतर कार्रवाइयां कर रही है, तो आज भी एक कार्रवाई हुई है। सर, क्या है पूरा मामला? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के मद्देनजर आज थाना भीकन गांव में एक आर्म्ड सेट की कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 देसी पिस्टल और 2 देसी अधवने कट्टे, जिनकी कुल कीमत 46,000 रुपये है, को पकड़ा है। जिसमें 2 आरोपी सतनाम और जसपाल, जिनका ग्राम निवासी सिंगरूर के हैं, उनको गिरफ्तार किया है। घटना यह है कि ग्राम सेलदा से ये लोग आ रहे थे। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ 2 लोग आ रहे हैं, उनके पास पिस्टल और कट्टे हैं, जो कि बेचने के उद्देश्य से आ रहे हैं। हमारी टीम द्वारा भीकनगांव थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा बेरो नदी के पास ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 पिस्टल और 2 कट्टे बरामद किए। खबर भारतवर्ष के लिए भीकनगांव खरगोन से अर्पित जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।